दुर्गा देवी मंदिर महूर। महाराष्ट्र का महूर क्षेत्र खास तौर पर रेणुका देवी मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। इस मंदिर के साथ साथ यहाँ अन्य देवियों जैसे कि अनुसया मंदिर और कालका मंदिर भी स्थापित है। तुलजा भवानी मंदिर सोलापुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा तुलजा भवानी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर सह्याद्री नदी पर स्थित यमुनांचल पर्वत की ढलान पर स्थापित है। कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी का मंदिर ऐसी मान्यता है। यहाँ माँ का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ देवी का स्वरूप महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता है यह साल में एक बार सूर्य की किरणें माँ की प्रतिमा पर सीधे पड़ती है। कोल्हापुर देवी का पावन स्थान होने के कारण इसे दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। मंदिर में स्थित शिलालेख से पता चलता है मंदिर 1800 वर्ष पुराना है। महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्धशक्तिपीठ वाली सप्तशृंगी देवी नासिक से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फुट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजित है। सह्याद्री के पर्वत श्रृंखला के 7 शिखर का प्रदेश यानी सप्तशृंग पर्वत, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरे और ऊंचे पहाड़ पर हरियाली के सौंदर्य के बीच विराजित देवी माँ प्रकृति से हमारी पहचान कराती प्रतीत होती है।